काफी ज्यादा दिनों के बाद लॉस सैंटोस के अंदर $7 डे आ चुका है। इसका मतलब ये कि हम लोग लॉस सैंटोस के अंदर जो चीज चाहे परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $7 में। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $4 है। सिंचन तेरे पास कुछ है क्या? अरे नहीं यार हमिदा मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। सिंचन एक $2 भी नहीं है तेरे पास? अरे नहीं यार हमिदा मेरे पास तो $1 भी नहीं है। ठीक है तो फिर खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है, जल्दी से जाके पैसे ढूंढ। मैं भी तब तक यहाँ कहीं पे ढूंढता हूँ, हम लोग को हमारे घर से $3 तो मिल जाएंगे। क्योंकि यार गाइस $4 तो ऑलरेडी हम लोग के पास पड़े हैं, बाकी $7 को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को चाहिए सिर्फ और सिर्फ $3 जो कि मेरे ख्याल से हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले तो किचन में हम लोग चेक करते हैं और यहाँ पर तो डॉलर नहीं है यार गाइस। ये पिज्जा हम लोगों ने $10 का परचेस किया था, लेकिन मैं भूल गया था कि आज $7 डे है, इसलिए मैंने पैसे सेव नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास $4 पड़े हुए हैं और यहाँ कहीं पे मुझे कोई भी पैसे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मिल जाएंगे इतना तो मुझे पता है कि यार गाइस हम लोग को हमारे घर से पैसे पूरे मिल जाएंगे। यहाँ कहीं पे होगा डॉलर, बट नहीं, ये क्या चीज है, ये तो सीडीज है। डॉलर चाहिए बट यार गाइस यहाँ पे भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, आज ही के दिन ये सब कुछ होना था क्या? सोफे के नीचे होंगे। हाँ यार गाइस जब हम लोग को हमारे घर से पैसे नहीं मिलते तो सोफे के नीचे हमेशा हम लोग को पैसे मिल जाते हैं। एक काम करता हूँ कि इसके नीचे चेक करता हूँ, मगर ये रहा, मिल गया यार गाइस $1 हम लोग को मिल गया जो कि बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। जल्दी से मैं इसको उठाता हूँ। और अभी फाइनली हम लोग के पास $5 हो गए हैं। $7 कंप्लीट करने के लिए हम लोग को $2 चाहिए जो कि सिंचन और चॉप ने अभी तक ढूंढ लिए होंगे। जल्दी से जाके सिंचन से पूछता हूँ, सिंचन तुझे कुछ मिला है क्या? अरे नहीं यार हमिदा मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। चॉप तेरे पास है क्या? नहीं हमिदा मेरे पास तो $1 भी नहीं है यार। ऐसा कैसे हो सकता है, चॉप तेरे पास तो पैसे होते हैं। लेकिन आज के दिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, कल मैंने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए यार। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? मेरे पास एक और जगह है यार गाइस, मुझे लगता है कि वहां से हम लोग को डॉलर मिल जाएगा। मेरी पुरानी पैंट्स के अंदर हमेशा कोई ना कोई पैसे पड़े हुए होते हैं, यहाँ पे चेक करता हूँ, मगर नहीं इन वाली पैंट्स के अंदर तो नहीं है। एक पैंट यहाँ पे भी है, इसके अंदर भी नहीं है, और ये रहा यार गाइस इस वाली पैंट के अंदर डॉलर पड़ा हुआ है। जल्दी से इसको भी उठाते हैं। अभी हम लोग के पास कितने हो गए, $6 यार गाइस। अभी मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ $1। $1 हम लोग को कहां से मिलेगा, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा। एक काम करता हूं कि यहां पे चेक करता हूं, स्विमिंग पूल के अंदर भी हमेशा हम लोग के पैसे गिर ही जाते हैं। जल्दी से यहां पे चेक करता हूं, लेकिन नहीं यार गाइस मेरे ख्याल से यहां पे नहीं है। यहां पे तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर ये $1 मिलेगा कैसे? कुछ भी हो जाए $1 तो मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है। आज हम लोग काफी ज्यादा ओपी चीजें परचेज करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए $7 चाहिए यार गाइस। $1 कम है सिर्फ। सिंचन और चॉप तुम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, जाके पैसे ढूंढो। मैं तो अपनी जगह छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा यार। लेकिन यार हमें मुझे लगता है कि चॉप के पास पैसे हैं और ये हम लोग के साथ झूठ बोल रहे हैं। चॉप क्या सच में तेरे पास पैसे हैं क्या? नहीं है, मेरे पास पैसे कहाँ से है? मेरे पास ये खाना, इस वाले खाने को सील कर दो यार। चॉप अभी तेरा ये वाला खाना कौन ही खाएगा, हम लोग को $1 चाहिए। क्या करें गैराज में जाके चेक करता हूँ यार गाइस, वहाँ पे हम लोग की गाड़ी है। हो सकता है कि गाड़ी के अंदर मैं कोई ना कोई पैसे भूल गया हूँ। जल्दी से जाके अपनी गाड़ी को चेक करते हैं। ये वाली गाड़ी भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसके अंदर भी डॉलर नहीं है यार गाइस। $1 चाहिए हम लोग को। ये जो $7 डे है ना यार गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए आता है। 12 आवर्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी वेस्ट कर दिए। अभी 12 बजे तक का टाइम है हम लोग के पास। उससे पहले अगर हम लोग के पास पैसे हो गए तो हम लोग काफी ज्यादा चीजें परचेज कर सकते हैं। $1 कहाँ पर होगा, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंचन और चॉप तुम लोग कुछ करो ना, यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? अरे यार हमें दे, मुझे लगता है कि चॉप के पास पैसे हैं। चॉप देख ले, सिंचन 2-3 दफा बोल चुका है कि तेरे पास पैसे हैं और मुझे भी लगता है कि तेरे पास पैसे होंगे। नहीं है ना हमें दे, मेरे पास पैसे नहीं, आज $7 डे है यार। हाँ वो तो मुझे पता है कि आज $7 डे है, तो पैसों का क्या लेना देना इससे। मैंने सोचा था कि मैं पैसे सेव करूंगा, लेकिन मुझसे पैसे सेव नहीं हुए यार। अच्छा इसका मतलब ये कि तेरे पास पैसे हैं। चॉप तेरे पास जितने भी पैसे हैं तो चुपचाप मुझे दे दे, उसके बाद मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा ओपी चीजें दिलाऊंगा। लेकिन आपके पास $7 है क्या यार? $7 नहीं है, मेरे पास $6 हो गए, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ $1 चाहिए। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। इसका मतलब ये है कि चॉप तेरे पास पैसे हैं, लेकिन चॉप अपने पैसे कहाँ पे रख सकता है? एक मिनट चॉप ये क्या चीज है? क्या चीज है यार? चॉप तेरे घर के अंदर $1 पड़ा हुआ है। एक ही तो मेरे पास डॉलर है, ये भी आप ले जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा यार? अबे पागल हो गया चॉप, जल्दी से पैसे बाहर निकाल। ठीक है मैं आपको पैसे देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या दोगे यार? वो तो अभी आज तुम लोग को मैं बताऊंगा कि मेरा प्लान क्या है। तुम लोग जल्दी से डॉलर लेके बाहर आ जाओ। फाइनली यार गाइस हम लोग के पास $7 हो चुके हैं। अभी हम लोग पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को परचेज करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई ना कोई गाड़ी परचेज करूँ। और गाड़ी
किसके पास होगी? सिमियन के पास। यार गाइस गाड़ी तो सिमियन के पास ही होगी। जल्दी से अपनी ये मस्त वाली गाड़ी यहाँ से बाहर निकालता हूँ और चलते हैं सिमियन के पास, जाके चेक करते हैं कि उसके पास कौन सी गाड़ी है। आपने मेरा $1 तो ले लिया लेकिन बदले में मुझे एरोप्लेन दिलाना है अपने यार। ठीक है चॉप, एरोप्लेन भी दिलाऊंगा लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग को गाड़ी चाहिए। और मैंने सुना है कि सिमियन के पास बहुत ही ज्यादा ओपी फरारी है। इसका मतलब ये कि आप मुझे फरारी दिलोगे यार? चॉप तू फरारी का सोच के बैठा हुआ है और मैं ये सोच के बैठा हूँ कि आज मैं पूरा का पूरा लॉस सैंटोस परचेस करूंगा। सबसे पहले तो हम लोग जाके चेक करते हैं कि सिमियन के पास गाड़ी कौन सी है। इतना तो मुझे पता चला है कि सिमियन के पास एक बहुत ही ज्यादा ओपी गाड़ी है और वो पूरी की पूरी गोल्ड की है। पता नहीं अभी गोल्ड की कौन सी गाड़ी होगी। फरारी हमें तो आपने बताया था फरारी है यार। हाँ फरारी तो है चॉप, लेकिन अगर वो कोई नॉर्मल फरारी हुई ना तो फिर हम लोग परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि यार गाइस आज $7 डे है। इसका मतलब ये कि हम लोग दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी परचेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $7 में। ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास बार बार तो नहीं आएगी। जल्दी से चलते हैं सिमियन के पास। वो सब तो ठीक है लेकिन आपने क्या सोच के रखा है हम लोग आज क्या क्या परचेस करेंगे यार? पूरा का पूरा प्लान है चॉप मेरे पास, लेकिन पहले हम लोग ये वाली गाड़ी सिमियन के पास लेके चलते हैं और देखते हैं कि सिमियन हम लोग की ये वाली गाड़ी परचेस करता है या फिर नहीं। लेकिन अब ये सिमियन है किधर? यहाँ कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखो, मैंने तुम लोग को बताया था ना कि सिमियन के पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है। वो तो मुझे दिख रहा है अमित भाई, ये तो कम अज कम 100 करोड़ की होगी यार। मुझे तो लगता है कि चॉप 100 करोड़ से भी ज्यादा महंगी होगी यार गाइस। ये लिटरली में पूरी की पूरी गोल्ड की है, मेरी फेवरेट है ये वाली गाड़ी, हम लोग को चाहिए होगी। अमिटी मुझे पता है कि तुम ये वाली गाड़ी परचेस करने के लिए आए हो, लेकिन वो क्या है ना कि ये वाली गाड़ी फॉर सेल नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता है सिमियन, आज $7 डे है। इसका मतलब ये कि आज सारी की सारी चीजें फॉर सेल है। लेकिन अमिटी मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये आज के दिन मैं सेल नहीं करूंगा। ऐसे कैसे नहीं सेल करोगे सिमियन? ये वाली गाड़ी मैं परचेस करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब ये कि यार गाइस ये वाली गाड़ी हम लोग की होने वाली है। लेकिन यार हमें तो ये दिखने में बहुत ज्यादा ओपी है। यही तो मैं तुझे बता रहा हूँ सिंचन, ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन हम लोग चेक करते हैं कि ये अंदर से किस तरह की है। और ये देख, अरे यार हमें तो ये किस तरह का दरवाजा है? पता नहीं सिंचन, फरारी ये काफी ज्यादा डिफरेंट है और मुझे बहुत ओपी लग रही है लिटरली में। यार गाइस ये वाली गाड़ी तो हम लोग को चाहिए होगी, लेकिन ये गाड़ी फॉर सेल है ही नहीं। अभी सिमियन देखो, मुझे पागल मत बनाओ, मुझे पता है कि जो भी चीज आती है दिन तुम्हारे पास होगी वो सारी की सारी फॉर सेल है। और अगर ये वाली गाड़ी फॉर सेल नहीं होती तो फिर तुम इसको शोरूम के अंदर पार्क तो ना करते। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास $15 हैं क्या? $15 तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओगे तुम मेरी वाली गाड़ी को कितने में परचेस करोगे? ये वाली गाड़ी वही है ना जो तुमने 10 करोड़ की परचेस की थी? हाँ ना सिमियन, ये 10 करोड़ की मैंने तुमसे ही परचेस की थी। इस वाली गाड़ी के हामिटी मैं तुम्हें दूंगा $7। $7? तुम इसके मुझे $10 नहीं दे सकते क्या? नहीं हामिटी, आज के दिन हर चीज $7 की है। लेकिन वो फिर तुम अपनी गाड़ी के $15 क्यों मांग रहे हो? $7। अच्छा सिंचन, ये इसने 15 नहीं बोला था क्या? अरे यार हमें तो लगता है कि सिमियन अंकल पागल हो गया है। पागल वागल हो गया सिमियन, मेरी बात सुनो, आज के दिन सारी की सारी चीजें $7 की है। अगर तुमने मेरी गाड़ी को परचेस करना है तो मुझे ठीक है, तो मुझे $7 दे दो। ठीक है हामिटी, ये लो $7। अब क्या करें सिंचन, मेरे पास $14 हो गए हैं। इसका मतलब ये कि हम लोग दो चीजें परचेस कर सकते हैं यार। ना चॉप, आज के दिन हम लोग दो चीजें परचेस कर सकते हैं। एक तो मैं ये वाली गाड़ी परचेस करने वाला हूँ जो कि हम लोग को मिलेगी पूरे के पूरे $7 की। और बाकी के $7 का हम लोग क्या करेंगे? बाकी के $7 का बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इस वाली गाड़ी को चला के चेक करते हैं यार। हाँ मैं भी ये चाहता हूँ चॉप, पहले हम लोग इस वाली गाड़ी को चला के चेक करते हैं, दिखने में तो काफी ज्यादा ओपी है। जल्दी से इसके अंदर बैठ के चेक करता हूँ कि ये वाली गाड़ी चलने में कैसी है। लेकिन यार हमें तो ये कौन है? पता नहीं ये कौन है। हाँ भाई क्या हुआ तुम्हें, पागल वागल हो गयो क्या? मेरे होते हुए ये वाली गाड़ी तुम कैसे परचेस कर सकते हो? अबे लेकिन तुम हो कौन और मेरी गाड़ी के अंदर बैठ के कर क्या रहे हो? लॉस सैंटोस के अंदर एक रेस है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे क्या? रेस वेस के अंदर मैं बाद में पार्टिसिपेट करूंगा, पहले तुम मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। और हाँ अभी मुझे बताओ कि क्या बात है? लॉस सैंटोस के अंदर एक रेस है, तुम रेस में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? रेस में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा, बदले में क्या मिलेगा? अगर तो तुम जीत गए तो हम लोग तुम्हें देंगे $7, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर ये वाली गाड़ी हम लोग की हो जाएगी। क्या बोलता है सिंचन? अरे यार हमें तो हम लोग के पास तो $14 हैं। 14 नहीं है, हम लोग के पास $7 हैं। $7 की हम लोगों ने ये वाली गाड़ी परचेस कर ली है तो ठीक है ना, हमें तो $7 हम लोग के लिए बहुत है यार। लेकिन चॉप $7 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज परचेस कर सकते हैं, जैसे कि मोटर बाइक। लेकिन अगर हम लोग रेस जीत गए तो हम लोग के पास $14 हो जाएंगे, फिर हम लोग एरोप्लेन भी परचेस करेंगे। अरे हाँ यार हमें तो आज मैं अपने लिए छोटा सा एरोप्लेन परचेस करूंगा। तो फिर इसका मतलब ये कि तुम लोग रेस में पार्टिसिपेट करोगे? रेस में तो पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन तुम लोग के पास गाड़ी कौन सी है ये तो हम लोग तुम्हें नहीं बताएंगे। तुम एयरपोर्ट आ जाओ जल्दी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अच्छा तो रेस एयरपोर्ट में हो रही है क्या? हाँ रेस एयरपोर्ट में हो रही है, जल्दी से एयरपोर्ट अपनी ये वाली
गाड़ी लेकर आ जाओ, और अगर तुम रेस हार गए तो तुम्हारी ये वाली गाड़ी हम लोग की हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ एयरपोर्ट, मैं भी आता हूँ और देखता हूँ कि तुम लोग के पास कौन सी गाड़ी है। आमिटी संभल के, ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन लोग की गाड़ियाँ बहुत तेज होती है। अच्छा फिर ये जो हम लोग की गोल्ड की गाड़ी है इसकी स्पीड कितनी होगी? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक इसकी स्पीड को चेक नहीं किया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये रेस जीतूंगा या फिर हार जाऊंगा? अभी आमिटी देखो, गाड़ी तो बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर तुमने इसको सही से चलाया तो फिर तुम रेस जीत सकते हो। अरे हाँ यार हमदा, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, रेस तो हम लोग जीतेंगे। ठीक है तो फिर सेंचर और चौप आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर, काफी ज्यादा रिस्की काम है। अगर हम लोग जीत गए तो हम लोग को $7 और मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग हार गए तो फिर ये वाली गाड़ी भी हम लोग के हाथ से निकल जाएगी। लेकिन यार हमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग हार जाएं, हम लोग को तो जीतना होगा। जीतेंगे जीतेंगे, सेंचर और चौप आ जाओ, बैठो फटाफट से गाड़ी के अंदर। लेकिन आमिटी अगर गाड़ी सेल करना चाहो तो मेरे पास आ जाना, अभी तो मैंने इसको परचेज किया सिमियन, ये तो बहुत ज्यादा तेज है, लिटरली में और गाइस ये तो लाइटनिंग फास्ट है, रेस तो ये जीतेगी। इतना तो मुझे पता है कि ये वाली गाड़ी सारी की सारी रेसेस को जीतने वाली है। चेक करो कितनी ज्यादा ओपी है, मेरी फेवरेट है यार गाइस, मुझे तो ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है यार गाइस, बिलीव मी इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। इसका मतलब ये कि हम लोग आज सारी की सारी रेसेस को जीतने वाले हैं। लेकिन यार हमें तो अगर हार गए तो फिर ये वाली गाड़ी हम लोग के हाथ से निकल जाएगी, ऐसे कैसे हारेंगे सेंचन? तू अच्छा अच्छा बोला कर, हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है? अगर सच बताऊं तो हमें तो मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग हार जाएंगे यार। कुछ भी नहीं होगा चौप, अगर हम लोग रेस में जा रहे तो समझ के हम लोग रेस जीतेंगे। वैसे भी हम लोग की गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है, तू इसकी स्पीड नहीं देख रहा क्या? इसकी स्पीड तो बहुत तेज है, इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है यार, ये तो मैं तुझे बता रहा हूँ, ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा ओपी है। चौप रेस तो हम लोग जीतेंगे, और वैसे भी हम लोग ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच गए, अभी पता नहीं एयरपोर्ट के अंदर उन लोग के पास कौन सी गाड़ी होगी। अगर तो उन लोग के पास हमारी गाड़ी से ज्यादा तेज गाड़ी हुई तो फिर हम लोग हार जाएंगे। लेकिन यार हमें तो इस वाली गाड़ी से तेज गाड़ी तो किसी के पास होगी नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ सिंचन, अभी भला इससे तेज गाड़ी किसके पास होगी? मेरे पास लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा तेज गाड़ी है, इसका मतलब ये कि रेस तो हम लोग जीतेंगे, और लिटरली में और गाइस ये बहुत ज्यादा तेज चल रही है, और उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये कि इसकी हैंडलिंग काफी ज्यादा अच्छी है, दिल कर रहा है कि मैं इसको चलाता रहूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस वाली गाड़ी को ठोक दोगे यार। कुछ भी नहीं करूंगा चौप, इस वाली गाड़ी को तो मैं कभी भी कुछ भी नहीं करने वाला हूं, ये वाली गाड़ी मेरी फेवरेट है, और आज के दिन हम लोग को ये वाली गाड़ी मिली है सिर्फ और सिर्फ $7 की। लेकिन तुम लोग सोचो अगर हम लोग रेस जीत गए तो फिर उसके बाद हम लोग को $7 और मिल जाएंगे। पहले मुझे ये बताओ कि अभी हम लोग के पास कितने पैसे हैं यार? चौप अभी हम लोग के पास है पूरे के पूरे $7, जो कि अभी थोड़ी देर के अंदर $14 में कन्वर्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी तुम लोग यहाँ पे उस बंदे को ढूंढो, वो बंदा किधर है? उसने हम लोग को एयरपोर्ट बुलाया था और खुद पता नहीं किधर है। मुझे तो लग रहा है कि ये कोई ना कोई ट्रैप है, हम लोग से हमारी गाड़ी चोरी कर लेंगे वो लोग यार। ऐसे कैसे गाड़ी चोरी करेंगे चौप, पागल वागल हो गया क्या? हम लोग यहाँ पे कोई दूध पीते बच्चे हैं क्या? गाड़ी तो हम लोग अपनी किसी को भी नहीं देने वाले हैं। लेकिन मुझे इस वाली गाड़ी की एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग को क्या लग रहा है कि ये वाली गाड़ी हवा में फ्लाई करती है क्या? ऐसे कैसे हवा में फ्लाई करेगी, क्या कर रहे हो यार? नहीं चौप, ये देख इसके आगे विंग्स भी लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से ये वाली गाड़ी हवा में फ्लाई करती है। हवा में बाद में फ्लाई करेंगे, पहले उस बंदे को ढूंढो यार। बंदे को बाद में ढूंढूंगा, लेकिन ये देख चौप हम लोग की गाड़ी काफी ज्यादा तेज है। अभी तो मैंने स्पीडोमीटर को ऑन नहीं किया, मेरे ख्याल से 1-2 हजार तक इसकी स्पीड होगी। लेकिन ये बंदा गया किधर है यार गाइस? इसने हम लोग को एयरपोर्ट बुलाया था और यहाँ कहीं पे हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है कि झूठ बोल रहा था हम लोग के साथ। झूठ नहीं बोल रहा था, हमें तो मुझे दिखाई दे रहा है सामने की तरफ यार। हाँ ये रहा, अभी तो मुझे भी दिखाई दे रहा है यार गाइस, ये बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसकी गाड़ी कौन सी है? एक सेकेंड, सॉरी। अबे पागल हो गया क्या, गाड़ी को क्यों ठोक रहा है? सॉरी सॉरी, गलती से लग गई। सिंचना चौप गाड़ी देखो इसकी, अरे यार हमें ये वाली गाड़ी भी बहुत ज्यादा तेज होती है। तुम लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है कि हम लोग जीतेंगे यार। देख चौप, बात गाड़ी की नहीं, बात गाड़ी को चलाने वाले की होती है, और मुझे फिलहाल इसकी गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ तो तुम रेस के लिए रेडी हो क्या? हाँ मैं रेस के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारी गाड़ी की कितनी स्पीड होगी? ये तो टाइम आने पे तुम्हें पता चल जाएगा, मैं स्पीडोमीटर को ऑन करूंगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि किसकी गाड़ी में कितना दम है। चलो ठीक है, लेकिन हम लोग अपना रन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे एंड तक, जिसकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज हुई वो जीत जाएगा। और याद रहे, टोटल हम लोग गाड़ी को 3 दफा भगाएंगे, जिसकी गाड़ी 2 दफा आगे निकल गई वो जीत जाएगा। अच्छा ठीक है, रूल्स तो मैं सारे के सारे समझ गया हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर ये वाली गाड़ी मैं रखूंगा। वो तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ये वाली गाड़ी रखना चाहो तो तुम ये भी रख सकते हो, अगर तुम्हें $7 चाहिए हुए तो मैं तुम्हें वो भी दूंगा। चलो ठीक है, गाड़ी तो सिंचन हम लोग के पास है ना, तो हम लोग $7 देंगे इससे। लेकिन यार हामिद, पहले हम लोग रेस जीत तो जाए। सिंचन अभी देख, अगर हम लोग रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो फिर इसका मतलब ये है कि रेस हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। वैसे पहले कौन भगाएगा गाड़ी, तुम या फिर मैं? मैं तो बोलता हूँ कि पहले तुम अपनी गाड़ी भगाओ। ठीक है तो फिर तुम लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ। अभी ये वाला बंदा अपनी गाड़ी को भगाने वाला है, इसकी गाड़ी भी काफी ज्यादा अच्छी है यार गाइस, पूरी की पूरी गोल्ड की है। तुम लोग को राइट साइड पे नीचे स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, हम लोग को स्पीडोमीटर दिख रहा है। ठीक है तो फिर स्पीडोमीटर को गौर से देखना, आज मैं तुम लोग को रेस हरा के रहूंगा। लेकिन एक मिनट, ये टर्बो के बगैर तुम्हारी गाड़ी 200 तक कैसे पहुंच गई? मेरी गाड़ी पूरी की पूरी अपग्रेड हुई हुई, अभी तुम
देखना मैं तुम लोग को रेस किस तरह हराता हूँ। सिंचन और चॉप, तुम लोग को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हामिद पे हम लोग रेस हार जाएंगे यार। ऐसे मत बोल चॉप। अच्छा बोल। आप लोग यार गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद हम लोग जीतेंगे, नहीं तो हम लोग की गाड़ी हम लोग के हाथ से निकल जाएगी। अरे ले लो अपने सब्सक्राइबर का सपोर्ट ले लो, लेकिन मेरी बात सुनो, अभी हम लोग गाड़ी को भगाएंगे बगैर टर्बो के। चलो ठीक है, पहला राउंड बगैर टर्बो के होगा। हाँ पहला राउंड बगैर टर्बो के और बाकी के दो राउंड टर्बो के साथ। चलो ठीक है, टर्बो तो हम लोग की गाड़ी के अंदर भी है, देखते हैं कि इसकी गाड़ी कहाँ तक पहुँचती है। काफी ज्यादा तेज है यार गाइस, 200 तक चलेगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो कुछ ज्यादा तेज जा रही है। मेरे ख्याल से तो 300 को टच करेगी, मगर नहीं 300 तक नहीं जा रही है। इसकी गाड़ी 300 तक नहीं गई है। और एक सेकंड, 296 298। हाँ यार गाइस 298 तक गई है। अरे वाह, तुम लोग तो चीटिंग नहीं करते हो। हाँ हम लोग चीटिंग नहीं करते, हम लोगों ने देखा है तुम्हारी गाड़ी बगैर टर्बो के 298 तक गई है। चलो ठीक है, फिर अभी तुम्हारी बारी, देखता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक जाती है। ठीक है हम लोग की गाड़ी 298 क्या 400-500 तक जाएगी, वो भी बगैर टर्बो के। ठीक है वो तो हम लोग देख लेंगे, वैसे भी अभी तुम्हारी बारी है, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग की गाड़ी में कितना दम है। हम लोग की गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी भी अच्छी है, मानना पड़ेगा गाड़ी इसकी अच्छी है, लेकिन वो क्या है ना कि हम लोग से ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक जाती है। टेंशन और चौप, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं जा रहा हूँ गाड़ी भगाने। लेकिन यार हमिता मैं आपके साथ चलूंगा। तू मेरे साथ चलेगा तो फिर गाड़ी का वेट ज्यादा होगा। सिंचन जितना गाड़ी का वेट ज्यादा होगा उतने हम लोग के जीतने के चांसेस कम होंगे। आपको क्या लगता है कि हम लोग की गाड़ी 300 तक जाएगी क्या यार? उसकी गाड़ी 298 तक गई थी ना चॉप, हम लोग की गाड़ी बगैर टर्बो के 300 तक जाएगी। और यार गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम लोग ये वाला रेस जीत जाएं तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद हम लोग की ये वाली गाड़ी रेस जीत जाएगी। यार गाइस चलने में तो काफी ज्यादा तेज है, लेकिन उस बंदे की गाड़ी थोड़ी देर के अंदर ही 200 तक गई थी, हम लोग की गाड़ी नहीं जा रही। यार गाइस हम लोग की गाड़ी ज्यादा तेज नहीं भाग रही है, इसका मतलब ये कि हम लोग हार जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग को जीतना होगा। हाँ यार गाइस ये राउंड हम लोग को जीतना होगा। गाड़ी भगाना तो मुझे अच्छे से आता है। 3 2 1 लेट्स गो। यार गाइस देखते हैं कि हम लोग की गाड़ी कहाँ तक जाती है। चलने में तो काफी ज्यादा तेज है। और एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ, 295 पे क्यों रुक गई है? अरे तुम्हारी गाड़ी तो बस 295 तक जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है यार गाइस? गाड़ी हम लोग की इतनी ज्यादा तेज है, एक सेकंड के अंदर अंदर ये 295 पे पहुंच गई है। इसका कहीं मीटर लॉक तो नहीं हुआ हुआ? एक मिनट हम लोग की गाड़ी में कोई ना कोई खराबी है। हाँ यार गाइस हम लोग की गाड़ी ठीक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाली गाड़ी 295 तक जाए। इसके अंदर तो बटन्स भी लगे हुए हैं, ये रेड वाले बटन प्रेस करके देखूं क्या? चलो तुम ये वाला राउंड हार गए हो। मुझे तो लगता है कि इस वाली गाड़ी के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका मुझे पता नहीं। यार गाइस अभी आप लोग गौर से देखना, 3 2 1 यार गाइस आप लोग देखना, 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर हम लोग की गाड़ी पूरी की पूरी 295 तक जा रही है। अभी बताओ, मेरे ख्याल से तो इसका कोई ना कोई मीटर का फंक्शन है। मीटर का फंक्शन नहीं है, तुम्हारी गाड़ी वैसे ही स्लो है। एक मिनट रुको, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। चलो ठीक है, करके देख लो, दोबारा ट्राई करके देख लो, कोई ना कोई फंक्शन इसमें खराब है। यार गाइस मुझे कोई ना कोई बटन प्रेस करना होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार गाइस हम लोग की गाड़ी एक सेकंड में 295 तक जा रही है और फिर यहाँ से आगे हम लोग की गाड़ी जा ही नहीं रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई खराबी है गाड़ी के अंदर। क्या करूं, कौन से बटन दबाऊं? चलो वापस आ जाओ, पहला राउंड तुम हार गए हो। सिंचन और चॉप को पता होगा। सिंचन और चॉप मेरी बात सुनो। अरे यार हमिद भाई ये क्या किया, हम लोग हार गए? सिंचन और चॉप देखो, तुम लोग को गाड़ियों का ज्यादा पता है ना, इसके अंदर कोई बटन वगैरह होगा, तुम प्रेस करके देखो, उसके बाद गाड़ी तेज भागेगी। चलो अपनी गाड़ी के बटन बाद में प्रेस करना, अभी राउंड 2 के लिए रेडी हो जाओ। और याद रहे, एक राउंड में जीत गया, अगर मैं ये दूसरा राउंड भी जीत गया उसके बाद मैं विनर हो जाऊंगा। हाँ मुझे पता है, एक राउंड तुम जीत गए हो, टोटल 3 राउंड है, और अगर तुम 2 जीत गए तो फिर उसके बाद हम लोग हार जाएंगे। तो फिर रेडी हो जाओ हारने के लिए, तुम्हारी गाड़ी मेरी होने वाली है। सिंचन और चॉप चेक करो, बटन वगैरह प्रेस करो। कर लो जितने बटन प्रेस कर सकते हो कर लो, जीत के तो दिखाऊंगा मैं तुम लोग को। और याद रहे ये वाला राउंड हम लोग टर्बो के साथ खेलेंगे। अच्छा ठीक है, टर्बो में तो मेरी गाड़ी आगे निकल जाएगी। यार गाइस टर्बो मेरी गाड़ी का बहुत ज्यादा ओपी है, लेकिन अभी देखते हैं कि इसकी गाड़ी कहां तक जाती है तो ये भी अच्छी, लेकिन खैर अभी हम लोग देखते हैं कि टर्बो के साथ इसकी गाड़ी की कितनी स्पीड है। हम लोग की गाड़ी भी अच्छी है और टर्बो निकाल दिया इसने, इसकी गाड़ी 700 800 875। तुम्हारी गाड़ी 875 तक गई है। क्या बोला, 875? हाँ 875 तक गई है, मैंने खुद देखी है। मुझे तो लगता है कि 1000 तक गई है। 1000 तक नहीं, 875 तक गई है। चलो ठीक है दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा क्यों ट्राई करते हैं, 875 तक गई है तुम्हारी गाड़ी। चलो ठीक है, तुम्हारी गाड़ी तो वैसे भी 500 तक भी नहीं जाएगी, वो तो अभी थोड़ी देर के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। इसकी गाड़ी देखो यार भाई साहब 860 पे गई है अभी, पहले तुमने बोला 875। ठीक है 875 तक तो हम लोग की गाड़ी चली जाएगी। अरे
क्या हमिदे, मैंने गाड़ी के सारे बटन्स को प्रेस कर दिया। अबे छोटे बच्चे, बटन्स को प्रेस करने से कुछ भी नहीं होता, तुम लोग लूजर हो। सिंचन कौन सा बटन प्रेस किया है? अरे यार हमिदे, मैंने सारे के सारे बटन प्रेस कर दिए। ठीक है तो फिर सिंचन, तुम लोग को क्या लगता है कि हम लोग जीतेंगे क्या? जीतेंगे हम लोग पक्का जीतेंगे यार। ठीक है तो फिर मैं अभी अपनी गाड़ी को भगाना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मेरी गाड़ी 295 से ऊपर गई नहीं यार, गाइस पता नहीं गाड़ी के साथ क्या ही मसला था, लेकिन अभी हम लोग टर्बो को यूज करने वाले हैं। देखते हैं कि हम लोग की गाड़ी टर्बो के साथ कितनी स्पीड में जाती है। याद रहे अगर तुम हार गए तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तुम्हारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। अबे रुको तो सही, तुम्हारे पास नूबड़ी गाड़ी है, मेरे पास बहुत ज्यादा ओपी गाड़ी है। अभी उसकी गाड़ी गई थी 875 तक, मुझे अपनी गाड़ी को कम से कम भी 900 तक लेके जाना है। आई होप के यार गाइस हम लोग जीत जाएंगे। 3 2 1 लेट्स गो। देखते हैं कि हम लोग की गाड़ी कहां तक जाती है। काफी ज्यादा तेज है और 900 तक चली गई यार गाइस, लिटरली मैं 900 तक जाते हुए मैंने खुद देखा है। अबे नहीं 900 तक नहीं गई। अच्छा 900 तक नहीं गई, तुम्हें मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैंने तो नहीं देखा, तुम्हारी गाड़ी 700 तक गई थी। अगर तुमने मेरे साथ चीटिंग की ना तो फिर उसके बाद तुम भी मरोगे और तुम्हारी गाड़ी भी जाएगी। अबे चल चल दोबारा स्टार्ट कर। ठीक है अभी अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है मैं अपनी आंखें खुली रख रहा हूँ, दिखा मुझे तेरी गाड़ी कैसे 900 तक जाती है। मैंने तो देखा यार गाइस, और आई होप कि आप लोग ने भी देखा होगा, हम लोग की गाड़ी 940 कुछ तक गई थी। देखते हैं कि अभी कहां तक जाती है। 3 2 1 लेट्स गो यार गाइस, आई होप कि दोबारा 900 तक जाएगी। जाओ ये चली गई 900 तक। अबे नहीं देखा मैंने 900 तक जाते हुए। अभी अगर तुम अंधे हो तो मैं क्या करूं, मेरी गाड़ी 900 तक जा रही है। ऐसे कैसे जा रही है, दोबारा दिखाओ। अभी मैं तुम्हें आखिरी दफा दिखा रहा हूं। चलो ठीक है दिखाओ मैं भी देखूं तुम्हारी गाड़ी 900 तक कैसे जाती है। एक नंबर का झूठा है, मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं। लेकिन देखते हैं कि अभी हम लोग की गाड़ी 900 तक जाती है या फिर नहीं। 400 500 600 700 तक चली गई, 800 तक चली गई, और ये देखो 922। देखा तुमने? हां देख लिया है, 922 तक गई है तुम्हारी गाड़ी। इसका मतलब ये है कि यार गाइस फाइनली दूसरा राउंड हम लोग जीत गए और अभी हम लोग की गाड़ी 300 से ऊपर जा रही है। कोई बटन वगैरह प्रेस किया होगा सिंचन और चॉप ने। यार गाइस गाड़ी काफी ज्यादा एडवांस्ड है ना, तो इसलिए इसके अंदर फंक्शंस भी बहुत ज्यादा ओपी हैं। लेकिन एक राउंड वो जीता है, एक राउंड मैं जीता हूं। अभी फाइनल राउंड के लिए रेडी हो क्या? हां मैं तो रेडी हूं, क्योंकि मुझे अभी $7 मिलने वाले हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी के अंदर भी बहुत ज्यादा बटन्स हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी गाड़ी कहां तक जाती है। ठीक है मैं भी देखता हूं तुम्हारी गाड़ी कहां तक जाती है। पिछले 10 साल से रेस कर रहा हूं और तू मुझे रेस हराएगा? अबे तुम 10 साल से रेस कर रहे हो, मैं बचपन से रेस कर रहा हूँ। ठीक है वो तो भी पता चल जाएगा, ये लास्ट राउंड है याद करना। हाँ मुझे पता है ये लास्ट राउंड है। अभी तुम देखो तो सही कि तुम्हारे साथ होता क्या है। पहले तो इस बेचारे की गाड़ी 875 तक गई थी, देखते हैं कि अभी कहाँ तक जाती है। मैंने अपनी गाड़ी के इंजन को खोल दिया, अभी तुम देखते जाओ। ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक जाती है। यार गाइस हम लोग स्पीडोमीटर को गौर से देखेंगे, इसकी गाड़ी जा रही है 600 700 800 से ऊपर ही नहीं गई। अबे यार गाइस 800 से ऊपर ही नहीं गई, ये कैसी गाड़ी है? रुको मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। अच्छा गाड़ी खराब हो गई थी, ठीक है दोबारा ट्राई करो। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी गाड़ी 2000 तक जाएगी। अबे 2000 तक ये वाली गाड़ी कभी भी जा ही नहीं सकती है। एक सेकंड हम लोग चेक करते हैं, 880 तक गई है। अबे यार गाइस सिर्फ 880। रुको ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी देखो तुम जितनी मर्जी कोशिश करके देख लो, तुम तो हार गए हो, क्योंकि मेरी गाड़ी 980 या फिर 920 तक गई थी। अबे एक मिनट रुक जा। ठीक है रुका हुआ हूं, वैसे भी तुम हार गए हो, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जल्दी से मेरे $7 निकालो। अबे एक मिनट रुको, ये लास्ट दफा दोबारा ट्राई करूंगा, लेकिन याद रहे ये तुम्हारे पास आखिरी बारी है। ठीक है आखिरी बारी है, तुम लोग आंखें खोल के मीटर को देखो। मीटर तो हम लोग कब से देख रहे हैं यार गाइस, बेचारे की गाड़ी 900 से ऊपर ये 925 तक गई थी। ऐसे कैसे 925 तक गई थी? अभी 925 तक गई थी तो मैं क्या करूं, पूरे के पूरे 1000 तक गई है। एक नंबर का चीटर है यार गाइस, 925 तक गाड़ी गई है, बोल रहा है कि 1000 तक गई है, पूरे के पूरे 1000। अच्छा चलो ठीक है, मुझे पता है कि तुम हारने वाले हो और अभी तुम्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, चीटिंग भी कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। 1000 तक गई है मेरी गाड़ी। ठीक है गाड़ी तुम्हारी 920 930 तक गई है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 1000 तक गई है। अभी तुम्हारी गाड़ी 1000 तक कैसे जाएगी? तुमने जिस रनवे पे गाड़ी भगाई है ना, वो रनवे काफी ज्यादा बड़ा है। अभी तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी गाड़ी कहाँ तक जाती है। सिंचन और चौप इसको जाने मत देना। अबे मैं कोई भगोड़ा हूँ क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं जीतूंगा तुम भाग जाओगे। एक काम करो कि मेरे साथ मेरी गाड़ी के अंदर बैठो। ठीक है बैठ रहा हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन यार हमें अभी हम लोग की गाड़ी का वेट ज्यादा हो जाएगा। सिंचन छोड़, 1000 तक तो हम लोग की गाड़ी वैसे ही चली जाएगी। अभी बस तू देखता जाके मैं करता क्या हूँ। तुमने 3 दफा ट्राई किया था? हाँ ठीक है, तुम भी 3 दफा ट्राई करके देख लेना। 3 दफा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा ट्राई करूंगा और 1000 से ऊपर लेके जाऊंगा गाड़ी को। यहाँ पे पार्क करते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। आई होप कि यार गाइस हम लोग की गाड़ी 1000 से ऊपर जाएगी। काफी ज्यादा तेज चल रही है और 920 पे रुक गई। अरे देखा तुम हार गए। अबे रुको तो सही, मैं 3 दफा अपनी गाड़ी को भगाऊंगा। भगा के देख लो मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूं, लगता है कि गाड़ी का वेट काफी ज्यादा हो
गया है। नहीं नहीं वेट की दिक्कत नहीं है, तुम एक मिनट यहीं पे रुको, मैं अपनी गाड़ी को दोबारा यहाँ से भगाऊंगा। अरे यार हमें दे जो ऊपर की तरफ दो रेड कलर के बटन है, इन दोनों को दबा दो। ठीक है सिंचन बटन दबा दिए, लेकिन ये किस चीज के बटन है? अरे यार हमें दे ये तो मुझे नहीं पता। चलो ठीक है अभी हम लोग चेक करते हैं। आई होप कि यार गाइस हम लोग जीत जाएंगे। 1000 तक मेरी गाड़ी को जाना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 राउंड्स बचे हैं, तुम अपनी आंखें मीटर के ऊपर रखो। मुझे पता है मेरे पास 2 राउंड्स बचे हैं और 1 मिनट। सिंचन और चॉप जी किस तरह का बटन था, लिटरली में हम लोग की गाड़ी काफी ज्यादा तेज गई है, लेकिन फिर भी 1000 तक तो नहीं गई, 960 या फिर 970 तक गई है, लेकिन मेरी गाड़ी गई थी पूरे के पूरे 1000 तक। 1000 तक तो नहीं गई थी। अभी देखो मेरे साथ चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो। अबे रुको मेरे पास एक चांस है, सबर करो। सिंचन और चॉप अभी क्या करूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी गाड़ी 920 तक गई है, आपने क्यों बोला कि 1000 तक गई है यार? चॉप मुझे लगा था कि हम लोग की गाड़ी जाएगी 1000 तक, क्या घंटा जाएगी 1000 तक, अभी क्या करेंगे यार? लेके जाएंगे चॉप गाड़ी को 1000 तक लेके जाएंगे। अरे मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। दुख तो मुझे भी तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तुम अभी बस देखते जाओ तुम हारने वाले हो। ठीक है मेरी आंखें तो कब से मीटर के ऊपर ही हैं। आप लोग यार गाइस जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बिलीव मी यार गाइस उसके बाद हम लोग की गाड़ी को पावर मिलेगी। और अगर एक दफा हम लोग की गाड़ी को पावर मिल गई तो फिर हम लोग अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे पूरे के पूरे 1000 तक। अबे सपने मत देखो, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स के पास कौन सी पावर्स होंगी वो अभी तुम्हें थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा। आई होप कि यार गाइस ये देखो अंधे हो गए हो क्या, 1300 तक गई है। अबे ये किस तरह की पावर्स लेकर आ गए हो तुम? इसको बोलते हैं अपने सब्सक्राइबर की पावर्स। देखिए यार हम लोग जीत गए क्या? हाँ सिंचन हम लोग जीत गए हैं। ऐसे कैसे जीत गए, दोबारा दिखाओ। ठीक है तो फिर अभी अपनी आंखें खुली रखो और देखो कि मेरी गाड़ी कहाँ तक जा रही है। यार गाइस काफी ज्यादा हिल रही है फिर भी 1300 तक चली गई। अच्छा ठीक है देख लिया मैंने। नहीं नहीं एक काम करता हूँ कि तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा अपनी आंखें खुली रखो और दोबारा हम लोग की गाड़ी जाएगी 1300 तक। यार गाइस ये देखो 1300 1380। अरे ये तो 1400 तक जाने लगी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तारीफें करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपनी गाड़ी को लेके जाओ। वैसे यार गाइस हम लोग की ये वाली गाड़ी लिटरली में कितनी ज्यादा ओपी है, मैंने सारे के सारे बटन प्रेस किए हैं और अभी तो ये टर्बो के बगैर भी जा रही है पानी के अंदर। अबे अब क्या करोगे, गाड़ी है मेरी फरारी है, काफी ज्यादा ओपी है, पानी पे भी चलती है। वैसे पहले कभी इस तरह की गाड़ी देखी नहीं है। हाँ वो क्या है ना कि इस तरह की गाड़ी कम ही देखने को मिलती है। अभी मेरे पैसे निकालो। अच्छा ठीक है ये लो अपने पैसे और मुझे मेरी गाड़ी के पास उतार दो। फाइनली यार गाइस हम लोग के पास $7 और भी आ गए हैं, इसका मतलब ये कि अभी हम लोग के पास हो गए $14। अरे यार हमें क्या हम लोग जीत गए क्या? हाँ ना सिंचन और चॉप हम लोग जीत गए हैं। मुझे पहले ही पता था कि हम लोग की गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शन है यार। चलो ठीक है फिर कभी दोबारा मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है अगली दफा अपनी गाड़ी को अपग्रेड करके लेकर आना, $8 डे में तुम्हें दोबारा मिलूंगा। चलो ठीक है तब की हम लोग तब देखेंगे। लेकिन यार हमें दे अभी हम लोग के पास कितने पैसे हो गए? सिंचन मेरे पास हो चुके हैं पूरे के पूरे $14। इसका मतलब ये कि हम लोग दो चीजें परचेज कर सकते हैं। अभी देखो गाड़ी तो हम लोग के पास हो गई है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग के पास मोटर बाइक भी होनी चाहिए यार। मैं भी ये चाहता हूँ चॉप, मोटर बाइक भी हम लोग को चाहिए, लेकिन मोटर बाइक किसके पास होगी? सिमियन के पास तो नहीं, हाँ बैनी के पास है। बैनी पिछले 1 साल से एक मोटर बाइक के ऊपर काम कर रहा है, हम लोग को बैनी के पास जाना है। लेकिन यार हमें दे बैनी मोटर बाइक सेल करेगा क्या? आज के दिन सारी की सारी चीजें फॉर सेल है सिंचन, जल्दी से बैठ गाड़ी के अंदर। तुम लोग को क्या लगता है बैनी अपनी वर्कशॉप पे होगा क्या? वर्कशॉप पे ही होगा और इसने किधर जाना यार? मुझे भी ऐसा ही लगता है चॉप, बैनी तो सोता भी इधर ही है, खाता भी इधर ही है, पीता भी इधर ही है, सब कुछ इधर ही करता है। लेकिन बैनी किधर हो तुम? आओ आओ हाँ बेटी, इतने दिनों के बाद आए हो, कैसे आना हुआ? वो तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पहले जरा अपनी गाड़ी को पार्क कर लूँ। अरे गाड़ी को सेल करने आए हो क्या? नहीं गाड़ी को सेल नहीं करने आया हूँ, तुमसे कोई चीज परचेज करने के लिए आया हूँ। लेकिन मेरे पास तो कोई चीज फॉर सेल है ही नहीं, आज के दिन सब कुछ फॉर सेल है बैनी, शायद तुम भूल रहे हो। अरे नहीं नहीं आमेटी, कुछ भी फॉर सेल है ही नहीं मेरे पास। ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 10 दिनों से तुम किसी बाइक के ऊपर काम कर रहे थे। अरे नहीं 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 है मेरे पास, वो बाइक है ही नहीं, मैंने सेल कर दी। अच्छा चलो ठीक है फिर मैं खुद ही यहाँ पे देख लेता हूँ। अरे आमेटी एक काम करो कि ये वाली गाड़ी ले जाओ। कौन सी वाली गाड़ी? ये येलो वाली गाड़ी। हाँ हाँ बेटी ये वाली गाड़ी ले जाओ, $7 में दे दूंगा। $7 में ये वाली गाड़ी तो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए आमेटी, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। देखो बैनी तुम्हारी मोटर बाइक को मैं ढूंढ लूंगा, मुझे तुम चुपचाप बता दो कि मोटर बाइक किधर है। अरे लेकिन वो मैंने सेल नहीं करनी। ऐसे कैसे सेल नहीं करोगे बैनी? देखो मैं तुम्हें $7 दूंगा ना, उसके बाद तुम $7 की जो मर्जी चाहे चीज परचेज कर सकते हो। मेरी गाड़ी तुमने चेक की है? हाँ गाड़ी तो देखी है तुम्हारी मैंने, वो फरारी, पता है कितनी की है? सिर्फ $7 की। और उसकी स्पीड पता है कितनी है? 1500 तक जाती है। अच्छा
$7 की परचेज की है क्या? हाँ ना, $7 की परचेज की है। मुझे बताओ तुम्हारी मोटर बाइक किधर है? हाँ मेटी, लेकिन तुम एक काम करो कि ये ग्रीन वाली गाड़ी ले जाओ। ग्रीन वाली गाड़ी कैसी है, एक सेकंड हम लोग चेक करते हैं। अबे नहीं बैनी, ये भी भला कोई गाड़ी है क्या? क्यों हाँ मेटी, इतनी अच्छी गाड़ी तो है। नहीं नहीं बैनी, लेकिन ये वाली गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, ये तो नॉर्मल गाड़ी है, इससे अच्छी गाड़ी है ऑलरेडी मेरे पास, और वैसे भी मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे मोटर बाइक चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं अपनी मोटर बाइक $14 की दूंगा? पूरा का पूरा लॉस सैंटोस $7 में चीजें बेच रहा है और तुम बोल रहे हो $14 की दूंगा? अरे देखो, एक चीज $7 की, दूसरी चीज $14 की, लेकिन मुझे एक ही चीज चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोटर बाइक चाहिए। अभी देखो मोटर बाइक मैंने बनाई है, मुझे पता है कि उस वाली मोटर बाइक को चलाना किस तरह है। तुम मुझे मोटर बाइक दे दो, चला मैं उसको खुद ही लूंगा। नहीं हाँ मेटी, ऐसे मैं अपनी मोटर बाइक नहीं दूंगा, तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो। अबे पागल हो गया क्या, मारने की बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें $7 दे रहा हूँ ना। हाँ मेटी, $14 चाहिए मुझे, मेरे पास तो टोटल है ही $14, अगर वो मैंने तुम्हें दे दिए तो फिर मैं हेलीकॉप्टर एरोप्लेन कहाँ से परचेस करूंगा। हाँ मेटी देखो, चीज एक नहीं दो चीजें हैं। क्या बात कर रहे हो बैनी, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, कौन सी दो चीजें हैं? एक मेरी मोटर बाइक, दूसरा उसका कॉस्ट्यूम। मोटर बाइक और मोटर बाइक का कॉस्ट्यूम, ये क्या बोल रहे हो? हाँ मेटी, मेरी मोटर बाइक ऐसी नहीं चलती, उसके लिए तुम्हें कॉस्ट्यूम भी चाहिए होगा। ऐसा क्या है मोटर बाइक में जिसके लिए कॉस्ट्यूम चाहिए होगा? हवा में फ्लाई करती है मेरी मोटर बाइक। अच्छा, हवा में फ्लाई करती है? और सिर्फ हवा में नहीं, जमीन में भी चलती है। जमीन पे भी चलती है? और तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक गई थी? 1500 तक। मेरी मोटर बाइक जाती है 5000 तक। फिर एक काम करो कि बैनी, ये पकड़ो $14 और लेकर आओ जरा मेरी मोटर बाइक, मैं भी देखूंगा दिखने में कैसी है। पहले इधर आओ, कॉस्ट्यूम पहन लो। अच्छा पहनाओ पहनाओ, जल्दी से कॉस्ट्यूम पहना दो। अरे यार हमें तो आपका कॉस्ट्यूम तो बहुत ज्यादा ओपी है। सिंचन तुझे कॉस्ट्यूम दिखाई दे रहा है, ये वाली मोटर बाइक नहीं दिखाई दे रही है क्या? ये किस तरह की भयानक चीज है यार। यही तो मैं सोच रहा हूँ चौप, ये पता नहीं किस तरह की मोटर बाइक है, मेरी कमर के ऊपर क्या चीज है? हाँ मेटी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉस्ट्यूम पहनाया है। आप लोग गौर से देखो यार गाइस, मेरी कमर के ऊपर मोटर बाइक की बॉडी आ रही है और मैं बिल्कुल इसके ऊपर लेटा हुआ हूँ। खतरनाक लग रही है मुझे, बहुत ओपी लग रही है यार। मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये चलती है क्या? अरे सिर्फ चलती नहीं, ये उड़ती भी है। एक मिनट थोड़ा सा चला के चेक करता हूँ। अबे यार गाइस, ये चल रही है, लिटरली में ये वाली मोटर बाइक चल रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। साइज देखो, साइज कितना बड़ा है इसका यार। एक मिनट रुक चॉप, मैं अभी इसका साइज चेक करता हूँ। इतनी ज्यादा ओपी मोटर बाइक पहले तो कभी नहीं देखी है। चॉप ये देख, ऑलमोस्ट हम लोग की गाड़ी जितनी है। लेकिन यार हमें तो ये वाली मोटर बाइक कितने की है? सिंचन $7 की मोटर बाइक है और $7 का कॉस्ट्यूम है, तो फिर हम लोग के पास पैसे कितने बचे पीछे? पैसे तो बचे नहीं ना चॉप। देख हम लोगों ने अपनी गाड़ी सील की सिमियन को, हम लोग के पास हो गए $14। उसके बाद हम लोगों ने ये गोल्ड वाली गाड़ी परचेज की, हम लोग के पास रह गए $7। उसके बाद हम लोग रेस जीते, हम लोग के पास आ गए $14, और अभी वो पूरे के पूरे $14 चले गए हैं। लेकिन यार हमें तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एरोप्लेन दिलाओगे। हाँ प्रॉमिस तो किया था। एक काम करो ना कि तुम दोनों के दोनों मेरी गाड़ी को घर लेके जाओ, मैं $7 का बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन ये $7 अभी आप कहाँ से लेकर आओगे यार? एक प्लान है मेरे पास चॉप, एक प्लान है, लेकिन बैनी ये उड़ेगी किस तरह? हाँ बेटी बटन प्रेस करो, उड़ जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं बटन प्रेस करता हूँ। बट यार गाइस, ये मोटर बाइक काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और उससे भी ज्यादा अच्छा तो मुझे बैनी का ये वाला कॉस्ट्यूम लग रहा है यार गाइस। लिटरली में ये वाली मोटर बाइक कुछ ज्यादा ही ओपी है। लेकिन मैंने सिंचन से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको एरोप्लेन दिलाऊंगा, अभी एरोप्लेन के लिए भी मुझे चाहिए $7। कहाँ से लेकर आऊँ $7? अभी कहाँ से मिलेंगे, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। लैमार की कॉल, वो भी इस टाइम? हाँ मिट्टी जल्दी से मेरे घर आ जाओ, इमरजेंसी है। इमरजेंसी तो है, पैसे मिलेंगे क्या? जल्दी मेरे घर आओ। अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। लैमार बोल रहे कि जल्दी से मेरे घर आओ, इमरजेंसी है। पता नहीं कौन सी इमरजेंसी होगी यार गाइस। जल्दी से अपनी मोटर बाइक को फ्लाई करके चलते हैं लैमार के पास। लैमार के घर के पास तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, लेकिन ये मुझे यहाँ कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा आगे जाके चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से तो लैमार इधर ही होगा। हाँ यार गाइस, कहाँ गया लैमार का घर? तो इधर ही है, लेकिन यहाँ कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। किधर गया, किधर गया, किधर गया? ये रहा लैमार, यहाँ पे खड़ा हुआ है। बोलो लैमार क्या हुआ? हाँ बेटी, ये तुम सुपरमैन क्यों लग रहे हो? अबे ये मेरी नई मोटर बाइक है, तुम बताओ के काम क्या है? हाँ बेटी, बालाज गैंग वाले कभी बाज नहीं आएंगे। अबे तो मैं किस लिए हूँ लैमार, मुझे बताओ के हुआ क्या है? हाँ बेटी, गैंग वॉर हो चुका है, पूरा का पूरा गैंग वॉर। गैंग वॉर हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है? तुम्हें बस बालाज ग्रुप के बॉस को एक दफा खत्म करना है, उसके बाद बदले में जो भी बोलोगे मैं तुम्हें दूंगा। बदले में मुझे आज के दिन चाहिए सिर्फ और सिर्फ $7। ठीक है डन। हाँ बेटी, मैं तुम्हें पूरे के पूरे $7 देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन $7 तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? अरे पूरी की पूरी गली वाले बालाज ग्रुप से तंग है। हाँ मेटी, एक दफा तुम हम लोग का काम करो, उसके बाद $7 मिलेंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है लैमार, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा। और वैसे भी यार गाइस, ये मेरा पुराना घर है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जो ये वाला घर है ना, ये मेरा पुराना घर है, मैं सबसे पहले यहाँ पे रहता था, और ये लैमार भी मेरे घर के पास ही रहता था। हम लोग का पूरा गैंग हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मैंने पैसे कमाए और इन सबको छोड़ दिया। लेकिन ये बालाज ग्रुप वाले
टाइम से लेकर अब तक हम लोग के दुश्मन है। आज इस वाली दुश्मनी को खत्म करना ही होगा यार गाइस, ये बालाज ग्रुप वाले मुझसे बचेंगे नहीं। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, ये वाली गाड़ी इसके पास क्या कर रही है? हाँ भाई, ये गाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है? अरे $7 डे था ना, इसलिए 10 करोड़ की गाड़ी $7 में परचेज करके लेकर आया हूँ। लेकिन कहाँ से लेकर आया, मुझे कहीं नहीं दिखी। अरे चल चल, रास्ता दे मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। $7 डे है ना यार गाइस, हर कोई मजे कर रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे अभी $7 और चाहिए, क्योंकि सिंचन के लिए मैंने एरोप्लेन परचेज करना है। इन लोग की लोकेशन पर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन इन लोग का बॉस किधर है? बॉस किधर है? एक सेकेंड, ये यार गाइस बैठा हुआ है यहाँ पे। पार्टी वार्टी चल रही है इन लोग की। लेकिन अभी मेरे पास तो फ्लाइंग बाइक है, अभी उतर के जाऊं इनको मारूं। इससे बेहतर है कि जल्दी से इसके बॉस को एक गोली मार के गायब हो जाऊं यहाँ से। यही प्लान है यार गाइस, क्योंकि इन सबसे तो मैं अभी फाइट नहीं कर सकता हूँ लिटरली मैं यार गाइस। ये लोग बहुत ज्यादा हैं और इतना मारेंगे ना कि अकल ठिकाने लग जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इन लोग के बॉस को टपका के यहाँ से निकल जाऊं। हाँ भाई, ये मोटरबाइक सेल करनी है मैंने, तुम लोग को चाहिए क्या? अरे लड़कों, जाके मोटरबाइक तो देखो, बड़ी बढ़िया मोटरबाइक है। हाँ ना, काफी ज्यादा ओपी है। लेकिन तुम खुद आओ। अबे बॉस हूँ बालाज ग्रुप का, खुद कैसे आऊंगा? लेकिन मैं मोटरबाइक सिर्फ तुम्हें ही सेल करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, चल रुक, मैं खुद आ जाता हूँ। आ जाओ, ये मोटरबाइक तुम्हारा वेट कर रही है। चल अभी बता कितने की सेल करेगा मोटरबाइक? मोटरबाइक तो काफी ज्यादा महंगी है, लेकिन आज $7 डे है तो तुम मुझे $7 दे दो। अबे $7 तो बहुत दूर की बात है, मैं तुझे $1 भी नहीं दूंगा। आ जाओ मेरे साथियों, उतारो इस नूबड़े को मोटरबाइक से नीचे। अच्छा मोटरबाइक से नीचे उतारने की बात कर रहे हो, अभी मैं तुम्हारा। अबे यार गाइस, गन्स नहीं है मेरे पास, ये क्या कर दिया मैंने, मेरे पास गन्स ही नहीं है। क्या बड़बड़ा रहा है मुंह के अंदर? नहीं, वो मैं बोल ये रहा हूँ ना कि मैं गन्स लेकर आना भूल गया हूँ। हैं, गन्स क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी गन्स अपने साथ नहीं लेकर आया। लेकिन गन्स को क्या करेगा तू? वो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन यार गाइस मेरे पास गन्स नहीं है, तो क्या हुआ मेरी मोटरबाइक पे तो गन्स लगी हुई है। एक काम करता हूँ कि इन लोग को खत्म करता हूँ। यार गाइस गए ये सब लोग, गए अभी इन लोग के बचने का चांस नहीं है। इन लोग का बॉस एक दफा मर जाए बस, गया चल गया यार गाइस। इन लोग का ये बॉस चेक कर लेता हूँ, मर गया फाइनली, इन लोग का बॉस मर गया है। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा, फौरन से पहले यहाँ से निकलता हूँ। काफी ज्यादा खतरनाक थे यार गाइस, इन लोगों के पास RPGs भी थे। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं बच गया हूँ, और ये बैनी का कॉस्ट्यूम भी काफी ज्यादा ओपी है। अभी जल्दी से जाता हूँ लेमार के पास, अपने $7 लेता हूँ उससे, और फिर हम लोग जाएंगे सीधा एयरपोर्ट, वहाँ पे जाके हम लोग एरोप्लेन परचेज करने वाले हैं। काफी ज्यादा मुश्किल काम था। हाँ लेमार हो गया, मेरे बंदे ने मुझे फोन करके बता दिया था कि हामिटी तुमने तो सबको ही उड़ा दिया। हाँ ना, वो मेरी मोटरबाइक में काफी ज्यादा वेपन्स लगे हुए थे, तो मैंने सबको फोड़ दिया। चलो ठीक है, ये लो अपने $7। थैंक यू लेमार, थैंक यू। $7 हम लोग के पास आ गए हैं। सिंचन को कॉल करता हूँ। अरे यार हमें तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एरोप्लेन दिलाओगे, जल्दी से हम लोग की गाड़ी लेके एयरपोर्ट पहुँच। लेकिन यार हमें तो क्या सच में हम लोग एरोप्लेन परचेज करने वाले हैं क्या? हाँ ना सिंचन, एरोप्लेन परचेज करने वाले, मैंने पूरी की पूरी तैयारी करके रखी है, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है अमित, मैं चॉप को लेकर आ रहा हूँ। आ जाओ जल्दी से एयरपोर्ट आओ। फाइनली यार गाइस, अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह गई है, और वो है एरोप्लेन। एरोप्लेन का मैंने बंदोबस्त करके रखा है, क्योंकि मैं लॉस सैंटोस के एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसके पास बहुत ही ज्यादा ओपी एरोप्लेन्स होते हैं। वो वाला बंदा होता तो इधर ही है। और एक मिनट, ये क्या चीज लेकर आ गया यार गाइस, ये तो लिटरली मेरे को ज्यादा ही अजीब सी चीज है। कितने का होगा ये एरोप्लेन? एक काम करता हूँ कि अपनी मोटरबाइक को पार्क करता हूँ, बल्कि एक सेकंड यहाँ पे पार्क करता हूँ, यहाँ पे अपनी मोटरबाइक को पार्क करता हूँ, और जल्दी से अपना कॉस्ट्यूम वगैरह उतारता हूँ। अरे यार हमें तो, हम लोग आ गए। हाँ तुम लोग आ गए, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, यहाँ पे एरोप्लेन खड़ा हुआ है हम लोग का। अरे सर आपने कॉल की थी क्या? हाँ कॉल तो मैंने की थी, लेकिन ये एरोप्लेन किस तरह का है, ये उल्टा खड़ा है क्या? अरे नहीं नहीं, एरोप्लेन तो सीधा खड़ा है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या खास बात है? एरोप्लेन लोगों को क्यों चाहिए होता है? ताकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से पहुंच जाएं। लेकिन इस वाले एरोप्लेन में बैठोगे तो तुम जल्दी नहीं, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये कि इसकी स्पीड बहुत तेज है। हाँ इसकी स्पीड बहुत तेज है। चलो ठीक है, ये लो $7 और मैं जा रहा हूँ एरोप्लेन में। लेकिन यार हमें तो मेरा एरोप्लेन की तरह सिंचन, ये है ना, ये हम सबका एरोप्लेन है। लेकिन यार हमें तो, मुझे छोटा एरोप्लेन चाहिए। छोटा एरोप्लेन? अबे तुम्हारे पास कोई एरोप्लेन और है क्या? अरे ये छोटा बच्चा कितना क्यूट है। हाँ मेरा छोटा भाई ये सिंचन है, 5 साल का। अच्छा वैसे मैंने अपने बेटे के लिए एक चीज बनाई थी, सोच रहा हूँ कि इसको दे दूँ। कौन सी चीज बनाई थी? वो एक छोटा सा एरोप्लेन बनाया था अपने बेटे के लिए, लेकिन ये बच्चा बहुत क्यूट है, मैं इसको दे दूंगा। क्या इसको गिफ्ट करोगे क्या? तो क्या तुम्हारे पास $7 है क्या? नहीं मेरे पास टोटल $7 है। चलो ठीक है, तुम एक काम करोगे, ये वाला एरोप्लेन फ्लाई करके देखो, उसके बाद मैं सिंचन का गिफ्ट लेकर आता हूँ, ये बढ़िया रहेगा।
जल्दी से सिंचन का गिफ्ट लेकर आओ। मैं तब तक इसको फ्लाई करता हूँ यार गाइस, इसकी फ्रंट साइड के ऊपर तो लाइट्स हैं। ये किस तरह का एरोप्लेन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा फ्लाई कर रहा है। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, दिखने में तो काफी ज्यादा बड़ा है और चलने में भी ठीक है, वेपन्स भी हैं इसके अंदर, इसकी स्पीड कितनी होगी। एक सेकंड, ये कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा है, मुझे इसको पहले थोड़ा सा सीधा करना होगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी स्पीड है कितनी। लाइटनिंग फास्ट है यार गाइस, बहुत ही ज्यादा तेज है। और इसकी स्पीड देखो, नीचे की तरफ इसकी स्पीड देखो यार गाइस, 1700 तक जा रहा है और अभी धीरे धीरे ये तो कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा है यार गाइस। ये चीज बहुत ज्यादा ओपी है लिटरली में यार गाइस, 2000 से ऊपर की स्पीड है इसकी। और मुझे तो लगता है कि ये अभी हम लोग को स्पेस में लेके जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको वापस लेके चलते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सिंचन का गिफ्ट भी देखना है। ये वाला एरोप्लेन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसको लैंड किस तरह करूंगा। हो गया यार गाइस, लैंड भी हम लोगों ने इसको बिल्कुल सही तरीके से किया है। अभी पता नहीं सिंचन का गिफ्ट कौन सा होगा, लेकिन ये वाला एरोप्लेन मुझे बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है लिटरली में यार गाइस। लाइट्स देखो इसकी। एक काम करता हूँ कि अपनी गाड़ियों के साथ इसको पार्क करता हूँ, लेकिन यार हमें मेरा गिफ्ट तो आया नहीं। सिंचन वो बंदा बोल रहे ना कि लेकर आ रहा है तेरा गिफ्ट, अभी थोड़ी देर में वो लेकर आ जाएगा। मैं तब तक अपने एरोप्लेन को यहाँ पे पार्क करता हूँ अपनी गाड़ी और मोटर बाइक के साथ। ये लो बेटा सिंचन, तुम्हारा गिफ्ट। अरे अंकल आप कितने ज्यादा अच्छे हो, मुझे तो ऐसे ही एरोप्लेन चाहिए था। चलो ठीक है, अभी मजे करो, उड़ा के देखो इसको। अरे यार हमें तो ये देखो, ये कितना ज्यादा ओपी है। सिंचन वही मैं देख रहा हूँ, ये तो काफी ज्यादा छोटा है और दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सिंचन का एरोप्लेन मुझे अच्छा लग रहा है और सिंचन को चाहिए भी बिल्कुल ऐसा ही एरोप्लेन था यार गाइस। ये तो दिखने में कुछ ज्यादा ही क्यूट है, मुझे अच्छा लग रहा है और सिंचन के लिए ठीक है। हाँ यार गाइस, सिंचन के लिए बिल्कुल ठीक है। और ये क्या, इसके अंदर वेपन्स भी हैं क्या? ये किस तरह का एरोप्लेन बना दिया इसने यार गाइस, लिटरली में इसके अंदर वेपन्स भी हैं। लेकिन यार हमें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सिंचन। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, टर्बो है क्या इसके अंदर? अरे हाँ यार हमें, ये देखो साथ में दो दो साइलेंसर लगे हुए इसके, और इसके अंदर टर्बो भी है। साइलेंसर नहीं, इसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। लेकिन यार हमें बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ ना सिंचन, $7 में हम लोग को दो दो चीजें मिल गई, और ये वाला एरोप्लेन काफी ज्यादा क्यूट है। और यार हमें ये तो छोटी सी जगह पे लैंड भी हो जाता है। हाँ सिंचन अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे पसंद आ रहा है। हम लोगों ने $7 डे को बिल्कुल बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया यार गाइस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी लगी है। मुझे तो पर्सनली ये वाली मोटर बाइक सबसे ज्यादा ओपी लगी है, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन कॉस्ट्यूम भी आता है। और यार हमें मुझे सबसे ज्यादा ओपी मेरा एरोप्लेन लगा है, और मुझे मेरी गाड़ी भी अच्छी लगी है। और यार गाइस साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। मैं तब तक जरा सिंचन के इस वाले एरोप्लेन को फ्लाई करता हूं यार गाइस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। मिलता हूं आप लोग से एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।